नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों आज का विचार स्वार्थ के ऊपर। सुना था कभी किसी से, ये दुनिया मोहब्बत से चलती है, करीब से जाना तो समझें ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, बस जरूरत से चलती है। अक्सर सूखे हुए होठों से ही होती है मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और लोग दोनों बदल जाते हैं। मुझे किसी को मतलब भी कहने का कोई हक नहीं, मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में ही याद करता हूँ। दोस्तों कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। दोस्तों ये स्वार्थ की दुनिया है और इस स्वार्थ की दुनिया में अच्छाइयाँ ऐसी खो जाती है जैसे समुंदर में नदियाँ। भाई भाई के बीच मन मुठाओ और स्वार्थ का त्याग कीजिए, नहीं तो आपका घर नरक बन जाएगा। भाई के प्रति प्रेम और त्याग की भावना अपनाइए, घर का स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। दोस्तों बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखते हैं इंसान। 21 रुपये के प्रसाद में भी पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। दोस्तों स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो यह बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन यह टूटेगा नहीं। दोस्तों बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं, पर बात का मतलब समझना किसी को नहीं आता। दोस्तों वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। दुनिया का वसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। दोस्तों अंदर से हर इंसान स्वार्थी होता है, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, अन्यथा हम पूरी जिंदगी लोगों पे स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें स्वार्थ के ऊपर। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है, दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों कुछ समय एकांत में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति का यशमय अनुभव होगा। वही दोस्तों दूसरों की सलाह पर विश्वास करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर अवश्य विचार करें, बेहतर होगा कि आप अपने निर्णयों को ही प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार की यात्रा को आप आज के दिन स्थगित रखें, यह आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन मन में डर उत्पन्न होने वाली अधिक बातें होने की वजह से काम के प्रति रखा डेडिकेशन कम हो सकता है, फिर भी आप अपना काम करते रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ उत्पाद विवाद उत्पन्न होंगे जो आपके समझदारी से सुलझाए भी जा सकते हैं। किसी भी बात को लेकर जरूरत से ज़्यादा आप उसकी तरफ ना बढ़ें। इसके उपरांत ही दोस्तों आज के दिन आपके लिए जो समय होंगे, आज कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से संपन्न हो जाएगा जिसकी वजह से मन में प्रसन्नता और ताजगी बनी रहेगी। दोस्तों यह समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, उनका भरपूर उपयोग करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। ध्यान रखें कि कई बार बातचीत करते समय अपने शब्दों के प्रयोग में लोगों के बीच जो है नाराजगी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यह समय अपने बोलचाल का लहजा नरम ही रखें, यह आपके लिए उत्तम होगा। काम की अधिकता की वजह से तनाव भी हावी रहेगा। दोस्तों अपने काम को दूसरों के साथ बांटने से आपको राहत महसूस होगी। इसके उपरांत ही दोस्तों आज के दिन आपके लिए जो समय होंगे, काम करते समय आपको काम की क्वालिटी का भी ध्यान देना चाहिए। काम की जगह जो है वरिष्ठ अधिकारी आपको जांच परख सकते हैं, इसलिए दोस्तों अपने काम से ध्यान को भटकने ना दें। पेशे संबंधी समस्याएं दूर होने लगेंगी, योजना बनाकर उसी पर कायम रहना आज के दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके उपरांत ही दोस्तों आज के दिन आपके लिए जो समय होंगे, आज के दिन की शुरुआत में ही आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा अवश्य बना लें,
क्योंकि दोस्तों दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल है। संतान के भी करियर व फिर पढ़ाई से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय घर के बुजुर्गों के साथ ध्यान व फिर देखभाल की आवश्यकता होगी, अतः उसकी अपेक्षा ना करें। दोस्तों यह समय कभी कभी आपके आत्म केंद्रित होने की वजह से भी प्रिय मित्र से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों यह समय इनको लेकर सावधान रहें। आज के दिन आपको लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने की योजना और अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय अभी आपके पक्ष में चल रहा है। दोस्तों ये जो समय है इसका अधिक से अधिक फायदा लें। लोगों द्वारा कही बातों को दिल पर ना लें तो वही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कार्यों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम होगा। घर के बदलाव संबंधी कुछ योजनाएं भी भलीभूत होंगी और दिन का कुछ समय परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों नजदीकी रिश्तेदार या फिर भाइयों के साथ बहस और वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, परंतु जरा सी सावधानी और समझदारी से परिस्थितियाँ शांतिपूर्ण तरीके से संभल भी जाएंगी। यह समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन की शुरुआत में आपको ऊर्जा में थोड़ा सा बदलाव महसूस हो सकता है जो आप पर भावनात्मक रूप से असर दिखाएगा, लेकिन दोस्तों आपके प्रयत्नों द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्साह बनाए रखने के लिए आसान भी होगा। आज आपको काम के प्रति और डेडिकेशन बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन आपके लिए जो समय होंगे काम से जुड़ा लक्ष्य जो होगा उसे प्राप्त करने की आप कोशिश करें और उनमें आप कामयाब होंगे। यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आज के दिन व्यापारियों को व्यापार संबंधी बातों में जो है क्लैरिटी लाने होंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट या फिर मार्केटिंग संबंधी कार्यों को करने के लिए जो आज का दिन है उचित दिन होगा। अपनी पुरानी पार्टियों के साथ पुनः जो है संपर्क स्थापित करें, आपको अवश्य ही ऑर्डर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर आज के दिन कार्यभार कम होने से सुकून रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आज के दिन बिजनेस संबंधी हर गतिविधि पर निगरानी रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से संपर्क खराब भी हो सकते हैं। कोई भी अनुचित कार्य करने की वजह से अपमानजनक स्थिति होने की भी आशंका है, इसलिए दोस्तों बहुत अधिक सावधानी बरतें। नौकरी पेशा व्यक्ति उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आज के दिन व्यावसायिक स्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रखने से उनका काम के प्रति पूरा समर्पण रहेगा दोस्तों, जिसकी वजह से काम समय पर पूरे होते जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के दिन आपके नौकरी के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में कर्मचारी की गतिविधियों पर निगरानी रखना अति आवश्यक है। उनकी किसी लापरवाही की वजह से नुकसान होने की भी आशंका है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों ऑफिस के काम में किसी भी जो है क्लाइंट के साथ नहीं उलझें, वरना कोई जो है इंक्वायरी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आज के दिन पति पत्नी के संबंध जो है आपसी संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी बचकानी हरकत की वजह से खटास आ सकती है। दोस्तों आज के दिन पार्टनर की वजह से लोगों की आलोचना का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, परिवार के साथ मनोरंजन और फिर शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। आपस में खुशनुमा समय व्यतीत करने से सबको जो है प्रसन्नता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन आपके लिए जो समय होंगे, विवाह संबंधी प्रयत्न को और अधिक बढ़ावा देना आपके लिए बेहतर होगा। उसके उपरांत दोस्तों आज के दिन आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियाँ आज के दिन आने वाली है। दोस्तों इसके उपरांत आज के दिन आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर तकरार भी रह सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों जो भी छोटी समस्या है वह शांतिपूर्ण घर में बैठकर सुलझा लें। इसके उपरांत ही दोस्तों आज के दिन अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों आज के दिन गरिष्ठ तथा असंतुलित खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना आपके लिए आज के दिन अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों आज के दिन मौसम के बदलाव की वजह से भी बुखार और ठंड लगने जैसी दिक्कत रहेगी। अपना उचित इलाज लेना आपके लिए आवश्यक होगा। आज के दिन दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आज कार्यभार की अधिकता की वजह से भी शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी। कुछ समय मनोरंजन और काम में व्यतीत करने से आपको यह समय सुकून मिलेगा।
दोस्तों आज के दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जिन्हें भी आप सच्चे दिल से मानते हैं उनका नाम लिख दें, ताकि आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना है, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।